पीछे की सवारी नीचे, पीछे की सवारी नीचे, पीछे की सवारी नीचे। अरे भाई गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी है, हमें तो आगे जाना है। सेठ जी यहाँ एक गाड़ी वाले की रूह भटकती है जो गाड़ी को रोक देती है, इसलिए तो उसकी भाषा में कलमा पड़ रहा था। पीछे की सवारी नीचे, पीछे की सवारी नीचे, पीछे की सवारी नीचे। जा बाबू जा, रू ने तेरा पीछा छोड़ दिया, जा। हाय, चल बेटा सुल्तान। हाय हाय, कहिए गुप्ता साहब कैसे मिजाज हैं? बस दुआ है आपकी। भाई ये लीजिए आपके 2 रुपए। माफ कीजिएगा मैं कलकत्ता चला गया था इसलिए देर हो गई जी। लेकिन आपके नाम कोई बकाया नहीं। गुप्ता साहब लेने वाला भूल सकता है लेकिन देने वाला कभी नहीं भूलता। देखता हूं आपसे शायद गलती हो रही है, मुझे आपसे कुछ नहीं लेना है। छोटी सी रकम है, शायद आप लिखना भूल गए होंगे। रखिए 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 ना। जयराम जी। वाह, दुनिया में ऐसे ईमानदार आदमी भी हैं। यहां तो लोग इस हाथ लेकर उस हाथ मुकर जाते हैं। गुप्ता साहब आपके पास ब्रिल क्रीम तो होगा? हाँ क्यों नहीं। और एक डब्बा बिस्किट का। अरे भाई लल्लू, एक डब्बा बिस्कुट और एक ब्रिल क्रीम बाटली ले आओ। और देखिए दोनों चीजों के दाम किताब में लिख लीजिएगा। अरे भाई आपकी जबान काफी है। शुक्रिया। नमस्ते। हाँ अशोक बेटा, ये जुबान का धंधा तेजी तेजी कभी नहीं मंदा। ओ लालवंती बहन। कौन? अशोक भैया। अभी आई, अभी आई भैया। क्या लाया अशोक भैया? अरे मैं मौसम के खरबूजा चुप रहो ना। चाचा जो चीजें लाए तुम्हारे लिए लाए, इनके घर में कौन सी तुम्हारी चाची बैठी है जब वो खा जाएगी है? भैया क्या लाए हो? बहन अंग्रेजी बिस्कुट लाया हूँ भतीजों के लिए। तुम्हारे भतीजे कौन से अंग्रेज से कम है? ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो। बहन तुम भी खाओ। भैया कहाँ है? वो तो भैया मिल के शिफ्ट पर गए हैं, वो आएंगे तो मैं चली जाऊंगी। अपनी जिंदगी तो बड़े मजे से कट रही है, मियाँ बीवी मिलके कमाए और ये 1.25 दर्जन मिलके खाए। लो इस भाग के कमांडर भी आ गए। क्यों अशोक बाबू आज दफ्तर से जल्दी छुट्टी हो गई? हाँ भरोसे भैया, अक्सर लोगों की सदा छुट्टी होती है, जब जी चाह चले आए। ये लो भैया तुम भी बिलायती बिस्किट चखो। ले बेटे। सौगली पहलवान आओ मेहरबान। कसरत हो रही है, क्या चमकीला बदन बना रखा है, नजर फिसल रही है। अशोक बाबू इस साल हिंद केसरी बनने का विचार है। विचार है? अरे प्यारे समझो के बन गए। ऐसा तेल लाया हूँ, 1 तोला रोज इस्तेमाल करो तो हफ्ते भर में 4 शेर वजन बढ़ जाएगा। हाँ सच? अरे मैंने कभी झूठ बोला है? ये देख प्यारे। अंग्रेजों ने ताकत का दूध निचोड़ कर इस बोतल में भर दिया। अच्छा क्या नाम है इसका? नाम है इसका हिंद केसरी तेल, यानी के क्रीम द ब्लफ। कितनी कीमत की है भैया ये? वैसे बाजार में दाम इसका 25 रुपए है लेकिन मैं इसे 16 रुपए में लाया हूँ और वो भी बड़ी मुश्किल से, आम आदमी को नहीं मिलती ये। हाँ अशोक बाबू ये बोतल हमें दे दो ना। वाह प्यारे, तुम्हारी सेहत बना दूं और खुद कमजोर हो जाऊं ना। ना भाई। अरे तुम्हें कौन सी कुश्ती लड़नी है, हमें दे दो, हमारा ही भला हो जाएगा। अच्छा लो तुम्हारा भला कर दे, 16 रुपए निकालो। 16 रुपए? हाँ देता। रोज मलना से है, हफ्ते भर देखना नतीजा क्या निकलता। राम राम। राम राम भैया। मुनीम जी, जय बजरंग बली की। जय बजरंग बली। जय बजरंग बली की। अशोक बाबू कमरा तो बड़ा अच्छा सजा रखा है। मुनीम जी दागे दिल दागे जिगर दागे तमन्ना लेकर अपनी वीरान बहारों को सजा रखा है। अभी अशोक बाबू ये हाई क्लास शायरी हमारी समझ में नहीं आई, जरा आकाशवाणी का लट्टू घुमाओ, डमडम डीगा डीगा सुनाओ। रेडियो सुनेंगे आप? सुनिए। अरे ये तो नकली है,
ये पूछी कि कौन सी चीज असली है। माना कि अमीर नहीं हूँ लेकिन एटमॉस्फेयर बिल्कुल अमीरी का है। जी हाँ, देखिए ये टब, इसमें एक छेद है इसलिए इसमें पानी ठहरता ही नहीं, और इस शॉवर का इस्तेमाल सिर्फ बारिश के महीनों में होता है जबकि छत से पानी टपकता है। और ये देखिए मेरी ब्यूटी क्वीन, जब शाम को दिल उदास हो जाता है तो बिन टिकट खरीदे इस नर्तकी का नाच देखता हूँ। जानता हूँ भाई जानता हूँ, हमें भी तो नचा रहे हो, आज तो दोगे किराया? दूध से धोकर मुनीम जी, ये रखिए 10 रुपए नकद, बाकी के 50 उधार। अरे 10 चक्रों के बाद सिर्फ 10 रुपए? आखिर कब तक सेठ की आंखों में धूल झूलता रहूंगा, मैं भी तो उसका मुलाजिम हूँ। गरीब गरीब का राज नहीं रखेगा तो और कौन रखेगा? सेठ जी बस 2-4 दिनों की बात है, उसके बाद मैं सब पूरा कर दूंगा। वादा? यारों का वादा। अच्छा, जय राम जी की। जय बजरंग बली। जय बजरंग बली की। वांटेड 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 वांटेड, एक खूबसूरत 75 साल की लड़की के लिए वर की जरूरत है। बुरी चीज, बुरी चीज। वांटेड, एक कमरा किराए पर देने के लिए है, दे दो बेटा, जरूर दे दो। वांटेड वांटेड वांटेड, एक फोटोग्राफर जर्नलिस्ट की जरूरत है, भूकंप वीकली प्रेस। इन कैमरों में से अगर एक कैमरा मेरे हाथ लग जाए तो अपनी नौकरी पक्की है प्यारे। आइए आइए सेठ जी आइए। हमारा कैमरा आ गया? यहाँ अभी पैक करा दे रहा हूँ। नहीं नहीं, हमारी ट्रेन का वक्त हो चुका है, हमारे आदमी मिस्टर सैन गुप्ता आएंगे, उनको दे देना। बेहतर। देखिए मेरा एक काम कीजिए, उनका टिकट देना मैं भूल गया, ये पूना की टिकट उनको दे दीजिए। मेरा नाम है सैन गुप्ता, आने में देर हो गई, सेठ जी कोई कैमरा छोड़ गए थे मेरे लिए। यहाँ तैयार। लेकिन मैं आपको नहीं पहचानता। पहचानिए पहचानिए, अच्छी तरह पहचानिए। लेकिन नाम से शक्ल कैसे पहचानी जा सकती है? फिर तो मुश्किल हो गई, क्या करूं? पुलिस को बुलवाऊं, मिलिट्री को बुलवाऊं, किससे शिनाख्त कराऊं कि मैं ही हूं सैन गुप्ता? खैर, सेठ जी को टिकट दे गए थे पूना के लिए मेरे लिए। हाँ, एक टिकट दे दे पूना। पहचान लिया ना? थैंक यू। अच्छा, आप ठहरे कहाँ है? मैं ताजमहल होटल, रूम नंबर 213। जय राम जी की। आप मिस्टर सेनगुप्ता हैं? बटवा लीजिए, आपके सेठ जी अभी अभी गए हैं, कैमरा साथ में ले गए हैं, आपके लिए एक रलवाई का टिकट छोड़ गए हैं। ये लीजिए, गाड़ी का वक्त हो गया, चलिए चलिए आपको छोड़ता हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपकी तारीफ? जी, मेरा नाम है अशोक आजाद। नाम तो शायद सुना है। इसका मतलब यह है कि आप भी इंग्लैंड में रह चुके हैं। वेल वेल वेल, मैं वहां का सेंसेशनल अखबार का चीफ रिपोर्टर था। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। मेरा ख्याल है आप बहुत अच्छे वक्त पर आए, हमारे अखबार भूकंप को आप जैसे रिपोर्टर की जरूरत है। जी, मुझे भी एक ऐसे ही अखबार की जरूरत है जो मेरे दिमाग का फायदा उठा सके। दरअसल मुझे आपके अखबार का नाम ही बहुत पसंद है, भूकंप। ऐसा लगता है कि नाम से ही एक बार दुनिया को हिला कर रख देगा। मैं आपकी पर्सनैलिटी और बातचीत से बहुत खुश हुआ हूँ। मेरा ख्याल है अगर आप ट्रायल के लिए कोई सनसनीखेज खबर या तस्वीर ला कर दें तो भूकंप में आपकी जगह हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगी। साहब, आप प्रेस की मशीन पर स्याही लगा कर रखिए, मैं अभी खबर लेकर आता हूँ। जी हाँ, अभी लाया खबर। नाश्ता तो करते जाइए। कितने दफा तुमसे कह चुकी हूँ कि जब मैं बाहर जाती हूँ खाने का नाम मत लिया करो। ड्राइवर, स्कूटर निकालो। हाय हाय, जी चाहता स्कूटर के नीचे आके शहीद हो जाऊं। आइए शहीद कर दूं आपको। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा बहन जी। कुछ नहीं कहा? थैंक यू थैंक यू। ए मिस्टर, ये क्या हरकत है? जी कुछ नहीं, सिर्फ आपकी तस्वीर खींची। जरूरत क्या थी? आप जानते हैं कि पब्लिक में किसी अनजान लड़की का फोटो लेना कितना बड़ा जुर्म है। मैम साहब, ये सड़क पब्लिक नहीं बल्कि रीपब्लिक होती,
आप जानती हैं कि किसी को थप्पड़ मारकर आपने कानून को अपने हाथ में ले लिया? सलामती चाहते हैं तो नेगेटिव दीजिए। कमाल करती हैं मैम साहब, आप अपना एड्रेस दे दीजिए, कल सुबह आपके घर पे आकर बंदा आपको पॉजिटिव दे जाएगा। शराफत मानते हो या कैमरा छीन लो? मैम साहब अपना स्कूटर संभालिए वरना उसे कोई उड़ा कर ले जाएगा। क्या हुआ भाई, क्या बात है, क्या इस बदमाश ने आपको छेड़ा है? छेड़ा नहीं, राह चलते हुए मेरी तस्वीर उतार ली। साहब पराए घर की बहू बेटियों की राह जाते हुए तस्वीरें उतारते हैं? देखिए हजरत मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, किसी गुंडे ने इन पर फिक्र कसा, आपने स्कूटर से उतरकर उन साहब को एक थप्पड़ रसीद किया। फिर क्या हुआ? मैंने ये सीन देखा और झट से मैंने तस्वीर उतार ली। अब आप बताइए कि मैंने कौन सा डाका डाला है, मैंने कौन सी चोरी की है, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि मैंने हिंदुस्तान के एक बहादुर बेटी के कारनामे की यादगार को अपने कैमरे में बंद कर लिया। फिर वो गुंडा कहाँ है? वो गुंडा मेम साहब गुंडे को छोड़कर मुझ पर बरसने लगी और गुंडा नौ ग्यारह हो गया। लेकिन वो भागा कैसे? वो भाग गया, बम्बई में भागना कोई मुश्किल बात नहीं है साहब, यकीन कीजिए मैं आपको अभी बताता हूँ। इधर से बस आ रही थी, बस स्टैंड पे आके रुकी और वो गुंडा इस तरह से बस में सवार होकर आप सबकी आंखों से ओझल हो गया। मैं वो पॉजिटिव कल जरूर भेज दूंगा आपको, जरूर भेज दूंगा मैं वो पॉजिटिव आपको। जी हाँ, पर्चा हाथों हाथ बिक गया है और ये सब उस नए रिपोर्टर अशोक आजाद का कमाल है, आदमी बहुत काम का है। जी तो वर्मा साहब अशोक आजाद को मेरे पास भेज दीजिए, मैं उसकी हिम्मत बढ़ाना चाहता हूँ। मैं भी भेजता हूँ। What? सनाना हाथ मर्दाना गाल, इडियट कहीं का बदतमीज 420। मैं अंदर आ सकता हूँ? कौन है? जी मेरा नाम अशोक है, मुझे एडिटर साहब ने भेजा। ओह मिस्टर अशोक, आइए आइए, आपको इजाजत लेने की क्या जरूरत है? वाह साहब वाह, आपने तो गिरती दीवार को थाम लिया। जी शुक्रिया। आपकी तनख्वाह क्या मुकर्रर हुई? 300 रुपए। बस 300? 500 होने चाहिए। शुक्रिया, 300 या 500 मेरे लिए कोई फर्क ही नहीं है, यही पान बीड़ी का खर्चा निकल आता है, वैसे हर महीने घर से 2000 रुपए मंगवाने पड़ते हैं। अंकल ये क्या? क्या हुआ बेटी? ये देखिए अंकल, अपनी लाठी अपने ही सर, आज ही मेरा प्रोग्राम है, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, और 3 बजे की ट्रेन से मुन्नी बाई आ रही है, वो क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? अच्छा ही सोचेंगे। यू? मेरा मतलब है बुरा क्यों सोचेंगे? आखिर मैंने आपकी इज्जत बढ़ाई है, आपकी इज्जत अफजाई की है, आपकी पब्लिसिटी की है, यकीन कीजिए अब आपको मुन्नी बाई की क्या जरूरत है? आप खुद स्टेज पर पहुँच जाइए, फिर देखिए ताली पे ताली, ताली पे ताली। शट अप विल यू, बदतमीज कहेंगे। जी अंकल आप क्यों चुप हैं? सचमुच अंकल आप क्यों चुप हैं? तुम जानते हो ये तस्वीर किसकी है? जी हाँ इनकी। बड़ी सादगी से कहा, निडर भी हो बेशरम। अशोक जानते हो ये लड़की कौन है? खैरी अंकल मैं इसे बताती हूँ मैं कौन हूँ, मैं इस अखबार की मालिक हूँ और तुम मेरे नौकर, ये घर भी मेरा है, डोंट गेट आउट ऑफ हियर। और याद रखो फिर इस दरवाजे पे अपना मुंह मत दिखाना। लेकिन पीठ तो दिखा सकता हूँ। बदतमीज कहीं के कुमार। हाँ क्या वेलकम है मिस्टर कुमार। जी आप लंदन से कब वापस आए? ज्वाला प्रसाद जी, ना हमारे जाने की खबर ना हमारे आने की। आपकी तारीफ? ओह ये मेरी भतीजी सीमा है। बेटी सीमा मिस्टर राम कुमार, फॉरेन में एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा कारोबार है। हाउ डू यू डू? नमस्ते जी। जरा पुराने ख्याल की मालूम होती है जी, जब आदमी नया होता है तो फिर पुराने ख्याल से काम लेना ही पड़ता है। बहुत अच्छे बड़ी हाजिर जवाब है। आइए आइए आइए, दूसरे कमरे में चलें। न्यू मॉडल बेवकूफ। कुमार साहब आप लंदन से अचानक कैसे चले आए? आपने अचानक रुपया भेजना जो बंद कर दिया, लंदन का खर्चा तो आपको मालूम है कैसे पूरा हो, और फिर मेरी आमदनी का भी तो एक ही जरिया है। लेकिन आपने आज तक इस बात का जिक्र नहीं किया कि आपके कितनी खूबसूरत भतीजी भी है। कभी इस किस्म का मौका नहीं आया। खैर देर आया दुरुस्त आया, लेकिन अगर पहले मुझे इसका इल्म होता तो आपकी किस्त आधी रह जाती। क्या आपको सीमा इस कदर पसंद आई? खूबसूरती तो चेहरे से जाहिर, लेकिन दिमाग भी अच्छा पाया है। जी हाँ बड़े भाई की मौत के बाद मैंने भी बड़ी मोहब्बत से इसकी तरबियत की। तो फिर एक फर्ज और पूरा कर दीजिए। फरमाइए। मुझसे अच्छा दामाद आपको कहाँ मिलेगा, और फिर हर महीने आपको रुपया भेजने की भी जरूरत नहीं। की बहन। हाय भैया। जयराम जी की, जयराम जी की। डर्बी की लॉटरी के टिकट लाया हूँ बहन, 10 रुपए के लिए 10 लाख रुपए मिलते हैं।
10 लाख भैया पहले किसी को मिले हैं? हाँ बहन, हमारी पिछली गली में जो फेरी वाला है ना, हाँ। उसकी माँ को मिला था, और उससे पहले वो जो नाई है ना, उसकी तीसरी बीवी, उसको भी मिला था। अच्छा, तो क्या हमारी किस्मत इन दोनों से बुरी है? तो ये लो 10 रुपए, और भगवान का नाम लेके जरा हमारा भी टिकट काट दो। जय राजा नल की। हैं, ये राजा नल कौन सा भगवान है? दीदी, जुए के मामले में भगवान को क्यों कष्ट देना चाहिए? और फिर राजा नल जुए के बादशाह थे। ए राजा नल, हाँ। मेरी बहन को लखपति बना देना, मैं इसका नाम लाजवंती से दमयंती रख दूंगा। सुखी रहो भैया, भगवान तुम्हें सुख दे। बेस्ट ऑफ लक टू यू। ओह नो, वी आर फिनिश्ड, वी आर डूम्ड। क्या हुआ सीमा, क्या हुआ, क्या हो गया सीमा? ये देखो, मुन्नी भाई गई काम से। क्या शो चौपट, अब क्या होगा? मैं बताऊं, मेरी कुर्सी से उठ जाइए। मैं यहाँ भी आ गए सतानी? जी नो, आपने बेकार में बेकारी के रास्ते डाल दिया। सोचा कि वक्त काटने के लिए, ये नौकरी बुरी नहीं। मैं यहाँ के पर्दे ऊपर नीचे करता हूँ, ये कुर्सी उसी काम के लिए। एक वक्त पे दो दो काम, तफरी भी और नौकरी भी। लेकिन आज आपके दोनों काम को छुट्टी। मुन्नी भाई बीमार पड़ गई। मुन्नी भाई बीमार पड़ गई, पुअर गर्ल। अब आपका शो का क्या होगा? अब तो स्टेज पे कुर्सियां नाचेंगी, कुर्सियां। खैर, अगर आप चाहती हैं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं भी मुन्नी भाई को जानता हूँ, बड़ी मुन्नी भाई हैं, बड़ा अच्छा नाचती हैं, बड़ा अच्छा गाती हैं। कहीं तो मैं बुला लाता हूँ, आपकी शो हिट हो जाएगी। अगर शो हिट हुई तो तुम्हारी नौकरी पक्की। वो तो ही है, लेकिन मुन्नी भाई सिर्फ एक ही शर्त पे नाचेंगी और गाएंगी। वो शर्त ये है कि आप भी उनका साथ दे। मैं? जी नहीं, डिट ना करो सीमा, नहीं तो बहुत बड़ी हंसी होगी। चलो मैं कर लूँगी, चलो ना, चलो ना सीमा, कर लो, चलो चलो कर लो। Yeah.
सच्ची सुबह खामोश रहती है मोहब्बत हो अगर सच्ची सुबह खामोश रहती है यह वो शम्मा जो फानूस में रूपोश रहती है वो चली चली कैसी हवा ये चली वो चली चली कैसी हवा ये चली के भौरे पे मरने लगी है कली के भौरे पे मरने लगी है कली जमुना मौसी अरे ओ जमुना मौसी अरे देखो तुम्हारी चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है जरूर मेरे डब्बू की होगी नमस्ते मौसी जीते रहो ये लो तुम्हारी चिट्ठी जरूर मेरे डब्बू की अरे अरे मेरे लिए तो काला अक्षर महज बराबर जरा तुम ही पढ़कर बताते जाओ आओ अंदर आओ मेरी प्यारी माँ मेरी अच्छी अच्छी माँ तुम्हें ये सुनकर खुशी होगी कि तुम्हारा डब्बू बंबई में रिपोर्टर हाँ रिपोर्टर हो गया है क्या 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 हो गया रिपोर्टर अरे ये रिपोर्टर क्या होता है रिपोर्टर मौसी जहां तक मेरी बुद्धि काम करती है ये हाँ, ये गवर्नर का छोटा भाई होगा क्या गवर्नमेंट का छोटा भाई पढ़ पढ़ मुरारी आगे पढ़ आगे लिखता है अपनी पहली तनख्वाह से मिठाई के लिए 10 रुपए मैं तुम्हें भेज रहा हूँ और अरे कुछ नहीं इसमें तो कुछ नहीं है अरे मौसी लिफाफे में रुपए भेजना जुर्म है इसलिए मनी ऑर्डर से आ जाएंगे पैसे की किसको चिंता पड़ी मेरे डब्बू की चिट्ठी आ गई मुझे सारा जहान मिल गया आगे पढ़ पढ़ क्या लिखा है हाँ, आगे लिखा है इस रुपए में से 2 रुपए गौरी गौरी के मंदिर में चढ़ाना और 8 रुपए अपने पास खर्च के लिए रखना वो समझता है मैं अपने पास रख लूंगी अरे मुरारी भैया सारे गांव में मिठाई बांटूंगी मिठाई अरे क्यों नहीं मौसी जरा गांव वालों को भी तो पता चल जाए कि जिस डप्पू को आज तक वो खोटा सिक्का समझते थे उसने भी कुछ कर दिखाया अपना पता तो लिखा है ना उसने पता हाँ कहीं ताजमहल होटल में रहता है ताजमहल होटल अच्छा मौसी अब मैं चला राम राम इम्पॉसिबल अंकल इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया जा सकता है बेटी लेकिन अंकल मैं उस आदमी के साथ थिएटर नहीं जाना चाहती वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसा नहीं कहते बेटी कुमार बाबू तुम्हारे मंगेतर हैं मंगेतर हाँ तुम्हारे पिताजी ने कुमार बाबू को तुम्हारे लिए चुना था और अपने आखिरी वक्त में मुझे हिदायत की थी कि तुम्हारी शादी कुमार बाबू के साथ ही हो लेकिन अंकल अगर पिताजी जिंदा होते तो शायद वो भी ऐसी जिद नहीं करते हो सकता है लेकिन मैं तो मजबूर हूँ मुझे तो हर हालत में अपने स्वर्गवासी भाई के दिए हुए वचन को निभाना ही पड़ेगा इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता हेलो एडिटर प्लीज यस मैं सीमा बोल रही हूँ देखिए मिस्टर अशोक को फिर से नौकरी पर रख लिया गया है और सुनिए अब मेरा एक काम कीजिएगा मुझे विधवा आश्रम चैरिटी शो का एक टिकट चाहिए रो ए और सीट नंबर 14 मेरे पास एक टिकट है जो मैं अशोक के लिए भिजवा दूंगी जी बहुत अच्छा जैसे मिस्टर अशोक आते हैं मैं उनसे कह दूंगा आपने मुझे याद फरमाया हाँ, मिस्टर अशोक आप फिर से यहाँ काम कर सकते हैं शुक्रिया मैं पूछ सकता हूँ कि मेरी सिफारिश किसने की आपको काम से मतलब है या सिफारिश से काम से देखिए ये टिकट लेकर विधवा आश्रम के चैरिटी शो में चले जाइए जी सीमा भी आपको वहीं मिलेंगे वो रही आपकी सीट 12 और 14 है बट नॉनसेंस 12 और 13 चश्मा लगा कर देखो आप अपने टिकट देख लीजिए
हेलो अशोक। अशोक सीमा। हेलो। हेलो अशोक, अमेरिका से कब आया? अमेरिका से? ओ अमेरिका से अभी हाल में परसों आया हूँ मैं। बैठी बैठी बैठी। ये भी खूब रही, आने की खबर तो देते। खैर इनसे मिली। ये है मिस्टर कुमार, शहर के एक बहुत बड़े जी जाने दे दे। और आप हैं मिस्टर अशोक, जो अमेरिका से जर्नलिज्म और फोटोग्राफी का डिप्लोमा लेके आए। हाउ डू यू डू? हाउ डू यू डू? चलिए अच्छा हुआ, सीट नंबर 13 में अपना ही आदमी निकला। जी बिल्कुल। बैठिए मिस्टर कुमार। मिस्टर अशोक, अगर तकलीफ ना हो तो आप मेरी सीट पर बैठ जाइए। जी बात तो बहुत ही छोटी सी है, लेकिन मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। बात दरअसल ये है कि नंबर 13 मेरा लक्की नंबर है। देखिए ना, मैं पैदा हुआ 13 तारीख को, मैं अमेरिका गया 13 तारीख को, और आज देखिए 13 तारीख। शायद आज महीना भी 13वां ही। बिल्कुल बिल्कुल। मिस्टर अशोक जी, आइसक्रीम के बारे में आपका क्या ख्याल? बहुत अच्छी चीज, दिमाग को बिल्कुल ठंडा रखती है। जी। हाउ अबाउट यू मिस्टर कुमार? हां, एज यू लाइक इट। तो फिर आप ही जरा तकलीफ कीजिए। मटी लाइक ये क्या चुप रहा है? अशोक अशोक, माय कैमरा अपने पास रखिए ना। थैंक यू। थ्री ये मिस्टर कुमार क्या बेचते हैं? इस वक्त तो आइसक्रीम बेचते हैं। आप भी खूब करती हैं, अच्छे वाले आदमी को आपने वेटर बना दिया। जरा ये भी तो सोचिए, आखिर वेटर किसका है? सीमा का। ये लीजिए। मैं भी आप ही के बारे में इन्हें बता रही हूँ। रईस तो इनके लिए एक छोटा सा लफ्ज है। बिल्कुल रईस आजम। बिल्कुल शुरू से दिखते हैं। देखिए हमारे पैसे को के हो गो सेठ ज्वाला प्रसाद जी। घबराइए नहीं, सीमा बिटिया की शादी के बाद एक एक पैसा अदा कर दिया जाएगा। वही सही, शादी के बाद सारी जायदाद का मालिक तो दामाद हो जाएगा। अजी वो भी अपना ही आदमी है, सारी जायदाद घर में ही रहेगी। थैंक यू मिस्टर अशोक, आपने मुझे बचा लिया, वरना वो मुर्गे मुसलम साहब बिल्कुल बोर कर देते। मिस सीमा, ऐसे बोर से बचने के लिए आपको मुझे अपना बॉडीगार्ड बनाना चाहिए। देखिए उनके सामने पिकनिक की दावत जरूर दे दीजिए। कमाल कर दिया सीमा जी आपने, मैं आपका ऊपर इंतजार कर रहा था। ओ मिस्टर कुमार, क्या हुआ आपको? मैं समझी आप पहले निकल आए। चलिए मिस सीमा, कल आप मेरे साथ पिकनिक पे चल रही है ना? जी हाँ। नथिंग डूइंग, कल हम लोग रेस कोर्स डर्बी देखने जा रहे हैं। ओ डर्बी, वेरी गुड, मैं भी आ रहा हूँ। आपको ऐसी टिप दूंगा कि आपके बारे न्यारे हो जाएंगे। वेरी गुड। क्या वेरी गुड, ये मुझे क्या टिप देंगे? मिस्टर अशोक, मैंने फॉरेन में झक नहीं मारी है, मैं वहाँ पर ट्रेनर था, ट्रेनर। मेरे पिताजी भी कलकत्ते में ओनर ट्रेनर हैं। आहा, अब बनी ना बात। कल देखेंगे किसकी टिप जोरदार रहती है। आइए, बाय बाय। आइए चलिए, बाय बाय। मिस्टर अशोक, हमारे दोस्त मिस्टर केसी कपूर के यहाँ शाम को पार्टी, आप उनकी पार्टी की कुछ तस्वीरें ले आइए, ये उनका पता है। जी बेहतर। आइए आइए, आप शायद बुकम विजी की तरफ से आए हैं। लीजिए लीजिए, इनकी तस्वीरें लीजिए लीजिए। आखिर आप मिल ही गए। आना ही पड़ा जी, मैं तो आपकी दुकान पर गया था ये कैमरा वापस लौटाने के लिए, लेकिन फिर पता चला कि आज आपके घर पे आपके इकलौते नन्हे मुन्ने की सालगिरह की पार्टी है। सालगिरह की पार्टी नहीं, मैरिज एनिवर्सरी। बैठिए बैठिए। शुक्रिया। मुमकिन है कि मुझे सुनने में कुछ गलती हो गई होगी। खैर सोचा कि जब मैं शहर में हूँ तो क्यों ना इस पार्टी में शरीक होकर आपकी कुछ खिदमत करता जाऊँ। अरे भाई आप इतने दिनों तक थे कहाँ? वो मैंने ताजमहल होटल में भी फोन किया था, वहाँ से पता चला कि सेन गुप्ता नाम का आदमी को रहता ही नहीं वहाँ पर। बिल्कुल सही फरमाया आपने। बात दरअसल ये है कि आप जानते हैं कि मैं यहाँ आराम के लिए आया हूँ, इसलिए परेशानी से बचने के लिए मैंने अपना नाम जॉनी ब्रगैंजा रख लिया था। खैर कोई बात नहीं। अरे भाई कमला सुनो, सेन बाबू के लिए चाय भेजो। इसकी क्या जरूरत है जी? बात दरअसल यह है कि मेरा एक दोस्त आज रात के जहाज से जापान जा रहा है, उसे रुखसत करने जाना है मुझे। मैंने 4-5 स्नैप्स ली है, कहिए तो और ले लूं। कोई बात नहीं, वैसे तो मैंने भूकंप प्रेस के फोटोग्राफर को बुलवा रखा है। भूकंप प्रेस से? मैं उस फोटोग्राफर को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, आदमी बहुत कारीगर है। अच्छा जी इजाजत दीजिए, नमस्ते। अरे भाई कैमरा तो देते जाओ। कैमरा? देखिए मैं ये स्नैप्स डेवलप करवा के आपको कैमरे के साथ ही कल भिजवा दूंगा। डेवलपिंग तो हमारे दुकान पर भी बहुत अच्छी होती है, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता।
बेहतर है। नमस्ते जी। जमुना मौसी। कौन? रामदास। हाँ मौसी। आओ भैया आओ, आओ। कैसे हो? अच्छा हूँ मौसी। आओ रामदास। शहर से फसल बेचकर आ रहा था, सोचा कि मौसी के दर्शन करता जाऊं। अरे बाबा, तुम लोगों के प्रेम भाव से तो मैं अकेली जान यहाँ टिकी हूँ। बता, आपके फसल तो अच्छी हुई ना? भगवान की दया है मौसी, साहूकार का सारा कर्जा चुकाकर साल भर के लिए कपड़ा लत्ता खरीद कर ये 100 रुपए बचे हैं। अच्छा। मासी अपने ही पास रख लो, जरूरत पड़ने पर मैं आकर ले जाऊँ। अरे नहीं भैया नहीं, ये बोझ मेरे कंधों पे क्यों लादते हो? पहले ही घर में किसी का जेवर, किसी का रुपया, किसी का कपड़ा रखा है। मासी, हमारा डाकखाना, हमारा बैंक, सब कुछ तुम ही तो हो। 4-6 महीने में लड़के की शादी की सोच रहा हूँ। पैसा हाथ में रहता है, खर्चा हो जाता है। आखिर बेटा अपनी कमाई माँ के पास नहीं रखेगा और कहाँ रखेगा? अच्छा भैया, जैसे तुम्हारी मर्जी। इस पोटली में अपना निशान लगा तुम ही लगा ले मासी। अच्छा, ये 5 गांठ तेरी निशानी, 1, ये 2। अच्छा मासी, राम राम। राम राम। नाराज हो गया क्या? राजन जी बहन। हाँ भैया। नमस्ते। नमस्ते, सुखी रहो। क्या बात है, आज तो बड़ा लंबा चौड़ा तिलक लगाया है। आज मेरा जन्मदिन है, मैं सुबह पूजा के लिए मंदिर गया था। आज तुम्हारा जन्मदिन है और बहन के घर खाली हाथ चला है, मिठाई भी नहीं लाया। तो कहने है लाजंती बहन। हाँ। मैं बच्चों को बाहर ले जा रहा हूँ आइसक्रीम खिलाने। आइसक्रीम खिलाने? अरे बच्चों आओ जल्दी, चाचा आइसक्रीम खिलाने ले जा रहे हैं, चलो उनको सोने दो। हेलो, भूकंप प्रेस एडिटर साहब हैं क्या? अच्छा अच्छा, मैं केसी कपूर बोल रहा हूँ। अरे भाई, कल रात आपने कमाल कर दिया, इतनी बड़ी पार्टी थी, आपने एक फोटोग्राफर भी नहीं भेजा। क्या कहा? बिल्कुल गलत, अशोक नाम का कोई फोटोग्राफर यहाँ नहीं आया है? अरे आप कहते हैं ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन मैं जो कहता हूँ बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। आप भी सच्चे हैं, वो भी सच्चे। ओह मिस्टर सेन गुप्ता, आइए आइए आइए। देखिए मुझे सेन गुप्ता मत बुलाइए, मेरा नाम अशोक है, भूकंप का फोटोग्राफर मैं ही हूँ। तो उस दिन से लेकर आज तक आप मेरी आंखों में धूल झोंकते रहे। कपूर साहब, जो इंसान जीवन भर धूल फांकता रहा हो, वो कभी कभी अपने गुजारे के लिए धूल झोंक भी सकता है। इससे पहले कि आप मुझ पर गुस्सा करें या पुलिस को फोन कर दें, मैं आपका थोड़ा सा कीमती वक्त जाया करना चाहता हूँ। मेरे पास बेकार बातों के लिए वक्त नहीं है मिस्टर अशोक, मैं भी आपको पुलिस के हवाले कर देता हूँ। अगर आपके सीने में धड़कता हुआ दिल नहीं पत्थर है तो ठीक है, आप पुलिस को फोन कर सकते हैं। जहाँ इन 6 बच्चों की माँ इन्हें छोड़कर स्वर्ग जा पहुंची, मैं भी इन्हें बेआसरा छोड़कर जेल चला जाऊंगा। देखिए न जाने बेचारा कितना दुखी, जो कहता है सुन तो लीजिए। कहो क्या कहना चाहते हो? बैठो बच्चों, बैठो। कपूर साहब, सन 1947 का जिक्र है, लाहौर में मेरी फोटोग्राफी की दुकान हुआ करती थी। कारोबार इतना अच्छा था कि शाम को मैं तकिए के गिलाफ में पैसे डालकर वापस आया करता था। उस साल मेरी शादी भी हुई थी, लेकिन भगवान का क्या करना, मुल्क का बंटवारा हो गया, दंगे फसाद में किसी ने मेरी दुकान जला डाली, मैं अपनी जान बचाकर अपनी बीवी के साथ अमृतसर भाग आया। कुछ दिनों के बाद ये मनहूस खबर आई के फसाद में मेरे ससुर साहब मर गए। मेरी बीवी इस सदमे से पागल हो गई। यकीन जानिए कि 3 साल उसके पागलपन का इलाज करने के लिए मैं मारा मारा फिरा करता था, कभी कभी बरेली के पागलखाने में और कभी आगरा के पागलखाने में। आखिर वो ठीक हो गई। उसके 2 साल बाद हमारा बड़ा पैदा हुआ था। भगवान साक्षी है कि जिस दिन ये बड़ा पैदा हुआ, मेरे घर में एक अनाज का दाना नहीं था, इसलिए हम लोगों ने उसका नाम शिवव्रत रखा था। उसके बाद हम मथुरा चले आए, वहां मैंने किसी से कैमरा उधार लेकर मैं फुटपाथ पे लोगों के स्नैप्स उतारा करता था और इसी तरह धंधा चलता था, गुजर हो जाती थी। किसी ने ठीक कहा कि गरीब के घर में संतान ज्यादा होती,
हमारे बड़े के बाद बच्चू पैदा हुआ, बच्चू के बाद छुटवा पैदा हुआ, उसके बाद टुन्नू, टुन्नू के बाद मुन्नू, मुन्नू के बाद चुन्नू, लेकिन चुन्नू का मुंह देखना उसकी माँ के नसीब में ना था। बेचारी एक दिन दूध लेने के लिए हलवाई की दुकान पर जा रही थी कि रास्ते में एक गाड़ी की लपेट में आ गई, वहीं बेहोश हो गई थी। उसे अस्पताल ले गए, आधे घंटे के बाद चुन्नू तो पैदा हुआ, लेकिन उसकी माँ हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर परलोक से धार गई। बस बस, अब मुझसे आगे कुछ ना कहा जाएगा। जब मैं वो दिन याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। धीरज रखो बेटा, धीरज रखो, संसार में सुख और दुख साथ ही लगा रहता है। बिरजू, जरा बच्चों के लिए मिठाई लाना। कहिए, अब मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? कपूर साहब, अब तो आप समझ गए ना कि मैंने आपसे धोखा करके कैमरा क्यों लिया। सिर्फ इन यतीमों को पालने के लिए, सच, सिर्फ इन यतीमों को पालने के लिए। ये लो बच्चों, मिठाई खाओ। ये लो, तुम ये लो। भूकंप प्रेस में एक फोटोग्राफर की जगह खाली थी, बगैर कैमरे के नौकरी कैसे मिलती? मैंने आपसे धोखा जरूर किया, लेकिन भगवान जानता है कि मेरे दिल में कोई चोर नहीं था। मैंने तो सोच रखा था कि नौकरी मिलने के बाद मैं आपके कैमरे की कीमत अदा कर दूंगा। देखिए, बाल बच्चे वाला आदमी है, मदद कीजिए इसकी। आप चाहते क्या है? अगर आप कैमरा मुझे वापस कर दें तो कपूर साहब, मैं आपकी तस्वीर अपने घर में लगाकर रोज पूजा किया करूंगा। बगैर कैमरे की मेरी नौकरी जाती रहेगी और मेरी सारी औलाद फिर सड़क पर होगी। अगर आप मेरी लाज रख सकते हैं तो यकीन जानिए, मैं वादा करता हूं कि मैं अपनी तनख्वाह से हर महीने आपको कैमरे की किस्त भर दिया करूंगा। सच? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुसीबत में आदमी आदमी के काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा? ये लो कपूर साहब। कोई बात, कपूर साहब, कपूर साहब, आपने मेरी डूबती हुई नैया को किनारे पे लगा दिया। कोई बात, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ये लो बेटा, बच्चों के लिए कपड़े बनवा देना। माता जी, मैं पहले ही आपके एहसानों के बोझ से दबा हूँ, मुझे आप भिखारी मत समझिएगा। मैं भिखारी नहीं हूँ, आप बहुत नेक पुरुष हैं, सच्ची कहता हूँ, बहुत नेक पुरुष। जयराम जी की। आओ बच्चो, चलो चलो, आओ घर चले। बेचारा, देखो किस्मत का सताया हुआ होते हुए भी कितना नेक और शरीफ आदमी। थर्ड स्टेट विन, वो भी सात सात के भाव में। आपने तो कमाल ही कर दिया। ऑलवेज ऑलवेज। आप पहले जॉकी थी क्या जी? अरे इंग्लैंड में ट्रेनर थी, ट्रेनर खच्चरों के। क्या? मेरा मतलब है घोड़ों के। नहीं, ये तो कुछ भी नहीं, आप डर्बी में मेरा कमाल देखिएगा। दरअसल बात तो ये है मिस्टर कुमार, की मुझे घोड़ों और गधों से सख्त नफरत है। ओ, आपका इशारा अशोक की तरफ है जी। ऐसे इंसानों से मुझे भी सख्त नफरत है। घोड़े को इंसान से नफरत तो होगी मिस्टर कुमार। व्हाट व्हाट व्हाट? मिस्टर कुमार, डर्बी की रेस कौन जीतेगा? डर्बी में ये कबाब में 100% विनर। हेलो मिस सीमा। हेलो अशोक। नाम लेते ही आ गया नंबर 13 कबाब। कुमार साहब हेलो, कैसे गुजर रही है? इनसे पूछिए। इनकी लक तो खूब चल रही है, तीन तीन विनर मारे हैं। अच्छा, यानी कि इस जगह की राशि आपकी राशि से मिलती जुलती है। कुमार साहब, जब तक डर्बी खत्म ना हो जाए ना, आप यहीं खड़े रहिए। ऑलवेज ऑलवेज। वंडरफुल आइडिया, जब तक हम लोग पिकनिक के अरेंजमेंट करते हैं। हाँ, ये जगह बहुत लकी है आपके लिए, आप बिल्कुल यहीं खड़े रहिए। हम अपनी फटफटी में बस यूं गए और यूं वापस आए। लेकिन मिस्टर अशोक, आप तो डर्बी का विनर देने वाले थे ना। डर्बी का विनर? लाई किताब? लाई किताब भी नहीं आपके पास? हाँ, नंबर 11, बस बहुत अच्छे फॉर्म में घोड़ा लगा दीजिए। नंबर 11 जी हाँ, ब्लफ मास्टर बिल्कुल। मिस्टर अशोक, ये तो कबाब में हड्डी की दुम भी नहीं पकड़ सकेगा। बिल्कुल नहीं पकड़ेगा, उसके आगे होगा। What? देखिए, अपनी अपनी शेखी छोड़िए, अगर कबाब में हड्डी आया तो कुमार साहब और हम पिकनिक पर जाएंगे और बाकी के अरेंजमेंट्स आप कीजिएगा, और अगर ब्लफ मास्टर आया तो अशोक साहब और हम पिकनिक पर जाएंगे और लड़कियों के साथ साथ आप आ जाइएगा। गुड आइडिया, ठीक है, चेक। Happy
बलफ मास्टर की नहीं, ये हुस्न की चाल। अरे हुस्न चला कुछ ऐसी चाल, दीवाने का पूछना। हुस्न चला कुछ ऐसी चाल, दीवाने का पूछना। प्यार की कसम कमाल हो गया है, प्यार की कसम कमाल हो गया। आज दिल को अब तक है इनकार, राखी कर बैठी करार। प्यार की कसम कमाल हो गया है, प्यार की कसम कमाल हो गया। कभी दूर गाए के है दिल चुराने की लाखों अदाएं। नहीं तेरे निकला अभी तक कमा से, नहीं तेरे निकला अभी तक कमा से। कोई उनसे कह दे कि दिल को बचाए, कि दिल को बचाए। हाय हुस्न चला कुछ ऐसी चाल, दीवाने का पूछना हाल। प्यार की कसम कमाल हो गया है, प्यार की कसम कमाल हो गया। दिल का अब तक है इनकार, राखी कर बैठी करार। प्यार की कसम कमाल हो गया है, प्यार की कसम कमाल हो गया। रहेंगे हमारा है क्या, हम तो मिट के रहेंगे। जहाँ तुमने देखा जरा मुस्कुरा के, जरा मुस्कुरा के। दिल को अब तक है इनकार, राखे कर बैठी करार। प्यार की कसम कमाल हो गया है, प्यार की कसम कमाल हो गया। अरे हुस्न चला कुछ ऐसी चाल, दीवाने का पूछना हाल। प्यार की कसम कमाल हो गया है, प्यार की कसम कमाल हो गया। जमाना तुम्हारा, निगाहें उधर है इधर है इशारा। ये पैगाम देते हैं जुल्फों के साए, ये पैगाम देते हैं जुल्फों के साए। चला आए जो है मुहब्बत का मारा, मुहब्बत का मारा। उफ़ हुस्न चला ऐसी चाल, दीवाने का पूछना हाल। प्यार की कसम कमाल हो गया है, प्यार की कसम कमाल हो गया। दिल को अब तक है इनकार, राखे कर बैठी करार। प्यार की कसम कमाल हो गया है, प्यार की कसम कमाल हो गया।
आप पूछते हैं कि पिकनिक कैसी रही? अजी पिकनिक तो ऐसी रही कि अभी तक मुंह का मजा नहीं बदला। तो खूब गुलछरे उड़ाए। खाक उड़ाई जी खाक, हमारी पाख्ता और लेवड़ा कोई और। कौन था वो? वही अपना परमानेंट दुश्मन अशोक। अच्छा, तो वो वहां भी पहुंच गया? अजी ऐसा पहुंचा कि हमें तो बिल्कुल ठिकाने लगा दिया। देखिए ज्वाला प्रसाद जी, हमसे सीमा की ये बेरुखी बिल्कुल अच्छी नहीं। वैदा हमसे और मुलाकात अशोक से। सैंडविचेस हमारी और खिलाई जा रही हैं अशोक को। हमारी आंखों में धूल झोंककर वो उस कमबख्त रिपोर्टर के साथ 9-2-11 हो गई। कुमार साहब, ये तो बहुत बुरा हुआ। देखिए ज्वाला प्रसाद जी, हमदर्दी दिखाकर हमारे जख्मों पर नमक न छिड़की। कुमार साहब, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? लड़की आपके साथ, उसको काबू में रखना आपका फर्ज था या मेरा? तो मैं क्या उसे जंजीर डालकर रखता? सुनिए, आप सीमा को आज अच्छी तरह समझा दीजिए, वरना मैं आपको उस जगह पहुंचा दूंगा जहां एक मिनट पहले ये पूछा जाता है कि पता तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। सीमा बेटी। आई अंकल। तुमने मिस्टर कुमार के साथ ही अच्छा नहीं किया। लेकिन बुरा भी तो नहीं किया। तुम पिकनिक में उन्हें बेवकूफ बनाकर एक मामूली रिपोर्टर के साथ रफू चक्कर हो गई। कुमार ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अंकल, आप उन्हें समझा दीजिए ना कि दही के धोखे में वो चूना ना खा बैठे, वरना मुंह कट जाएगा। सीमा, वो तुम्हारा मंगेतर है। अशोक के साथ तुम्हारा घूमना फिरना अच्छा नहीं। तुम्हें अपना और अपने खानदान का ख्याल रखना चाहिए। अंकल, आप अशोक को एक मामूली रिपोर्टर क्यों समझते हैं? वो एक अच्छे खानदान का लड़का है। मैंने उसे अपनी सालगिरह पे बुलाया है, आप खुद बातचीत कर लीजिएगा। मैं ऐसे इंसान से बातचीत करना जरूरी नहीं समझता जो हमारे टुकड़ों पर पलता। अंकल, अरे पलट, राजा कल तो अच्छा था, आज क्या हो गया? प्यार की कसम कमाल हो गया, प्यार की कसम कमाल। बाबू, सीमा ने मेरी मोहब्बत को कबूल कर लिया है, दिल दिल से मिल गया है, अब मैं उसका हो गया, वो मेरी हो गई। सत्यानाश हुई सत्ता। प्यारे, अब पांव फहराना चाहिए चादर देख के, सर उठाना चाहिए ऊपर देख के, और दिल लगाना चाहिए जेब देख के। अबे कहां तू करकाराम, और वो रही इसकी बेटी? हाँ है। अरे टांगे में घोड़ा जोता जाता है, हिरन नहीं। तू नहीं जानता प्यारे, ये इश्क का मामला है। ओ मोहब्बत दौलत नहीं देखती, दिल देखता, दिल देखती है। जानता, सीमा ने अपनी सालगिरह की पार्टी में मुझे अपने घर पे बुलाया। लेकिन पहले ये सोचा है बेटे कि उसको तोहफा क्या दोगे? झुंझुना? नहीं यार, झुंझुना बहुत सस्ता है, कोई कीमती तोहफा देना चाहिए। हैं बाबू, बाबू 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 बाजू में, आज तो मेरे पास अब फूटी कौड़ी भी नहीं है। अब मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं। अच्छा चल बेटे, चल चल, कल की बात कल पे छोड़ दिया, लेकिन रात में तू मेरा ध्यान देना। हाँ, सो जा। क्या हुआ जमना मौसी, क्या हुआ? अरे अंदर चल कर देखो, किसी जन्म जले ने क्या बार कमाया है। ये देखो, ये देखो, रात के अंधेरे में सब कुछ लूट कर ले गए। मेरा अपना होता तो कुछ नहीं, लेकिन ये दूसरों की अमानत थी। हे भगवान, किसी गरीब को फसल की बीज खरीदनी होगी, किसी को बहन बेटी की शादी करनी होगी। हे भगवान, इस तारे का लेकिन जमुना मौसी, इतनी दीवार तोड़ दी चोरों ने, तेरे कान में झिनक ना पड़ी? क्या बुढ़ापे में भी इतनी मीठी नींद सोती है? अरे ये क्या सोएगी, सो तो वे बेचारे लोग गए जिन्होंने इस बुढ़िया पर विश्वास किया। धन्नो, क्या ये तू बोल रही है? क्या गांव वाले जमुना मौसी को नहीं जानते? क्या लोगों का मार खाकर मुझे अपनी चिता मनवानी थी? अरे कौन जाने, पैसा पैसा जोड़कर साहिर अपने बेटे को भेज दिया होगा। शिवदास, मैं ठकुराई हूँ, ऐसे बेटे का तो मैं गला घोटता जिसे मुझे चोरी के मार पर पालना पड़े। मैं आज ही शहर जाती हूँ और अपने बेटे से रुपया लाकर एक एक के पैसे मुंह पर मारूंगी। अच्छा, तो इसी बहाने तुम भी शहर का टिकट कटवा रही हो? तो क्या चोरों की तरह भाग कर जा रही हूँ? मकान जमीन सब कुछ तो मेरा यही है, नहीं आऊंगी तो कर देना सब पर कब्जा। दोबारा
ना। सीमा बेटी यहाँ ना। लाला हरबंस लाल। मुबारक हो सीमा बिटिया। सीमा ये तुम्हारी नजरे किसे ढूंढ रही है? जो दिल में होगा। दिल में तो वो पिकनिक वाला ही होगा। मेरा हाथ से मत गुजरो। लो मैंने कब कुछ कहा? जितनी चिढ़ रही हो बात उतनी खुलती जा रही है। सेठ जी, मुनीम जी, मेरी मजबूरी तो समझिए, दया कीजिए मुझ पर। मैं आपके पांव पड़ता हूँ, मेरे 50 रुपए वापस लौटा दीजिए। यकीन कीजिए, मैंने अपने घर का तार तार बेचकर अपनी महबूबा की सालगिरह पर उसे तोहफा देने के लिए ये 50 रुपए इकट्ठे किए थे। तुमने आज का वादा किया था ना? किया था। तो फिर मेरी मजबूरी देखो, मैं सेठ को क्या जवाब दूंगा? आप सेठ जी से कहिएगा कि 50 रुपए से मुनीम जी दूसरी शादी नहीं हो सकती, लेकिन 50 रुपए से पहली शादी तो हो सकती है। मुनीम जी, अपनी जवानी का जमाना जरा याद कीजिए, आपने भी तो कहीं दिल लगाया होगा। नहीं नहीं, हमारे खानदान में किसी ने मोहब्बत अब्बत नहीं की। माना कि आपका खानदान सन्यासियों का खानदान है, लेकिन मैं तो दुनियादार इंसान हूँ। मुनीम जी, मेरे सीने में जो ज्वालामुखी फूट रही है, जरा सोचिए तो सही, मैंने मोहब्बत की है। ये 50 रुपए मुझे सिर्फ 1 महीने के लिए वापस कर दीजिए। अशोक बाबू, देखो तुम कितना भी चिल्लाओ लेकिन मेरा दिल पत्थर हो चुका है, पत्थर। जय बजरंग बली की। जय बजरंग बली। अगर जानता कि ये होने वाला है तो अपने घर को आग नहीं लगाता मैं। अरे प्यारे प्यारे, हो गए वाले न्यारे। प्यारे, मैं तेरी महबूबा के लिए एक शानदार तोहफा देख के आया हूँ। क्या? कबाड़ी की दुकान पे। अच्छा, बता दू? बताओ। अरे ताजमहल। ताजमहल तो मुझे क्या कहता है? शाहजहां को खबर कर, मेरे पास जो 50 रुपए थे मुनीम जी ले गए छीन कर मुझसे। धत तेरे की, सत्यानाश हो मुनीम जी का। मैंने हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। माफ करना, जरा देर हो गई थी, मोटर के आगे भैंस आ गई थी। तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के हो दिन 50,000। क्यों बद्दुआ देते हैं कुमार साहब? मैं तो जवानी में मरना चाहती हूँ। हाँ, नजर बद्दूर, मरने के लिए हम जो रह गए हैं। ए, कुछ सूझा? नहीं यार। सूझा? शायद दोनों को एक ही सूझा। गोविंदा। हाँ प्यारे, आज जन्माष्टमी का दिन है और ये सटोरिया बाबू है ना, मंगलवारी में हर बरस हंडी बांधता है और उसमें 100 रुपए का नोट होता है। बड़े जान जोखिम का काम है प्यारे, लेकिन क्या किया जाए, एक तरफ मोहब्बत है दूसरी तरफ हड्डी फसली, देखते हैं दोनों में से कौन सी चीज बचती। प्यारे है, फौज कहीं आई जो मौज
बड़ी नटखट है फौज, कहीं आई जो मौज, नहीं बचने का कोई भी, ताला ताला गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल के दुबारा, गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल के दुबारा। निकली है झूम के ये टोली, वो कैसे निकली है झूम के ये टोली, आज केले की दूध से ये होली, आज केले की दूध से ये होली, बिगे कितना भी अंग ठंडी हो ना उमंग, बिगे कितना भी अंग ठंडी हो ना उमंग, पड़े इनसे वो पड़े इनसे किसी का न पाला पाला, गोविंदा आला रे आला, जरा मट्टी संभाल के जबाला, गोविंदा आला रे आला, जरा मट्टी संभाल के जबाला। अरे एक दो और तीन चार संग पांच छह सात है ग्वाला, अरे एक दो संग पांच छह सात है वाला, गोविंदा आला रे आला, जरा मट्टी संभाल विज वाला। अरे एक दो और तीन चार संग पांच छह सात है वाला, अरे एक दो और तीन चार संग पांच छह सात है वाला, गोविंदा आला रे आला, जरा मट्टी संभाल विज वाला, गोविंदा आला रे आला, जरा मट्टी संभाल विज वाला। चाहिए? कुछ नहीं, देने आया हूँ जन्मदिन का तोहफा। ये तोहफा तो आपको आज से 365 दिन बाद लाना चाहिए था। शर्म नहीं आती इतने सब लोगों के सामने मेरी जगह जाई हुई? सबसे कहती रही कि अशोक अभी ही आता होगा, घंटों एक एक का मुंह देखती रही, और तुम होके अब चले आ रहे हो। लेकिन मेरी बात तो सुनो। बहुत
कुछ सुन लिया है, अब कुछ नहीं सुनना चाहती। सीमा, सीमा नादानी छोड़ो, दरवाजा खोल दो, हो सकता है ये हमारी आखिरी मुलाकात होगी। आखिरी मुलाकात क्यों? ये तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, मेरे एकलौते पिताजी कलकत्ता से यहाँ आए हैं, मुझे वापस ले जा रहे हैं, मेरी शादी पक्की हो गई। ठीक हुआ, ठीक हुआ है? ओके। अशोक, शादी पक्की हो गई है क्या? हाँ, इसीलिए तो मुझे आने में देर हो गई। लेकिन अपनी शादी में वक्त पर पहुंचना। अच्छा, देखो सुनो, क्या तुमने भी हाँ कर दी है? बहुत ही बेवकूफ इंसान होगा जो शादी करने से इनकार कर दे। लड़की देखी? लड़की देखी नहीं, उसकी तस्वीर देखी। कजरारी आंखें, गुलाबी गाल, लंबे बाल, बहुत अच्छी। तो आज तक मुझसे नाटक क्यों खेल रहे थे? अगर शादी किसी और से करनी थी तो मुझ पे डोरे क्यों डाले तुमने? मुझे नहीं मालूम था कि तुम मुझे ऐसी नजरों से देखती हो, और फिर अभी तक जुबान से कुछ भी नहीं कहा। जुबान से कहने की क्या जरूरत थी? इतने दिनों से हंसते खेलते गाते रहे, उसका कुछ मतलब नहीं हुआ? उही अल्लाह, यानी कि हंसने गाने और नाचने का ये मतलब होता है? देखो मेम साहब, मैं बहुत सीधा आदमी हूँ, अगर तुम अब भी अपनी जुबान से वही बोल दो जो लोग आम तौर पर बोलते हैं ना, तो मैं कलकत्ते के लिए आज ही अपनी डैडी का टिकट कटवाता हूँ और कहता हूँ कि कलकत्ते की शादी कैंसिल। क्या कहती है? वही जो अंग्रेजी में महबूबा अपने महबूब से कहती है, आई लव, समझ जाओ ना। All right, I love you. अच्छा, ची 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 ची, मुंह पे थप्पड़ मार दिया। Okay, I love you. ऐसे कह रही हो जैसे किताब का सबक याद कर रही हो। I love you. ऐसे बोला जैसे माँ बच्चे से बोलती। तो फिर तुम ही बता दो कैसे कहूँ, मैंने तो आज तक ये बात किसी से कही नहीं। सीमा, तुम अंग्रेजी फिल्में देखती हो? हाँ। वहां जब प्यार का इकरार होता है तो इजहार कैसे होता? आई लव यू। अब बनी ना बात, मैं डैडी से जाकर फौरन कह देता हूं कि कलकत्ते की शादी कैंसिल, नई शादी की तैयारी करें, साथ ही साथ उनके टिकट का भी बंदोबस्त कर देता हूँ। नहीं अशोक, जाने से पहले तुम्हारे पिताजी को हमारा खाना जरूर खाना होगा। पिताजी, नहीं नहीं, वो सिर्फ माँ के हाथ का पका हुआ खाना खाते हैं। क्यों? वो वेजिटेरियन पुराने ख्याल के आदमी, पवित्रता का बहुत ख्याल है उन्हें। अच्छा, कोई बात नहीं, तो फिर चाय तो मेरे बाप के बाप ने कभी नहीं पी और कभी पूछना भी नहीं, बहुत गर्म मिजाज के आदमी है वो, कहीं गुस्से में एक जमा दे। अच्छा, तो एक मरतबा आके अपने दर्शन तो दे जाए, और अगर वो इस पे तैयार नहीं तो मैं भी उनकी बहू नहीं बनूंगी। ये भी कोई जिद की? हाँ, जिद नहीं है। कमाल है, शादी मुझसे करनी है, मेरे दर्शन काफी नहीं क्या? नहीं। ओके, ले आऊंगा बाबा को। हैप्पी बर्थडे। लेडी फातिमा, मैंने वादा किया था कि जिस दिन मैं अपने प्यार में कामयाब हो जाऊंगा, मैं यहाँ आके एक मोमबत्ती जलाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। सोचा था प्यार हम ना करेंगे, सूरत पे यार हम ना मरेंगे, फिर भी किसी पे दिल आ गया। सोचा
तेरा था प्यार हम ना करेंगे, सूरत पे यार हम ना मरेंगे, फिर भी किसी पे दिल आ गया, सोचा था प्यार हम ना करेंगे। बहुत खाक दुनिया की छानी थी हमने, बहुत खाक दुनिया की छानी थी हमने, अब तक किसी की ना मानी थी हमने, अब तक किसी की ना मानी थी हमने, धोखे में दिल कैसे आ गया, सोचा था प्यार हम ना करेंगे, सूरत पे यार हम ना मरेंगे, फिर भी किसी पे दिल आ गया, सोचा था प्यार हम ना करेंगे। अगर दिल न देते बड़ा नाम करते, अगर दिल न देते बड़ा नाम करते, मगर प्यार से क्या बड़ा काम करते, मगर प्यार से क्या बड़ा काम करते, दिल को यही काम भा गया, सोचा था प्यार हम ना करेंगे, सूरत पे यार हम ना मरेंगे, फिर भी किसी पे दिल आ गया, सोचा था प्यार हम ना करेंगे, सूरत पे यार हम ना मरेंगे, फिर भी किसी पे दिल आ गया, सोचा था प्यार हम ना करेंगे। लेके चलूंगा माँ जी, लेकिन किराया एक रुपया लूंगा। एक रुपया? हाँ। मेरे पास तो सिर्फ अठन्नी है। अठन्नी? अरे माँ जी, अठन्नी का तो बम्बई में छुट्टा भी नहीं मिलता। लेकिन ये बताओ, ताजमहल होटल के बाहर जाके क्या भीख मांगोगी? अरे वो संभाल, मैं तो तुझे भिखारन नजर आती हूँ, ठकुराइन हूँ ठकुराइन। नहीं नहीं नहीं, माफ कर दो माँ जी, बैठो बैठो अभी छोड़ देता हूँ। चल बेटा सुल्तान। यही है ताजमहल होटल? यही है? हाँ। अच्छा अच्छा, अरे ठहर। अच्छा ठहर बेटा, ये ले संभाल अपनी अठन्नी, अगर और चाहिए तो ठहर, मेरा बेटा इस जगह का मालिक है, अभी लाकर देती हूँ उससे। अब बस 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 माँ जी, अपन को जो दिया अब वो लिया, चल बेटा। डब्बू से? हाँ, मेरा बेटा है वो, इसी होटल में रहता है। तुम्हें तो देख के मालूम होता है कि तेरा बेटा किसी धर्मशाला में रहता होगा। धर्मशाला में रहता होगा तेरा बेटा? मेरा बेटा तो इसी होटल में रहता है, गवर्नमेंट का छोटा भाई है वो। गवर्नमेंट का छोटा भाई, मालूम होता है तेरी अकल गुम हो गई है। मरे मुंह संभाल कर बोल, मेरे डब्बू ने सुन लिया तो सर तोड़ देगा तेरा। दस नंबर। यस भाई, मेरे डब्बू को जानते हो? डब्बू? डब्बू क्या होता है? मेरा बेटा है वो, यही रहता है,
देखो उसकी फोटो। जानते हो ना कहाँ है वो? पकड़े आए हैं। ओए हैं साहब, मुझे ज्वाला प्रसाद जी से मिलना। नहीं हूँ, आपकी तारीफ। आप मुझे नहीं जानते। मेरा नाम है सेठ सूरजमल बहाना राम, उस नालायक बेवकूफ अशोक का एक लौता बाप जिसको आपकी भतीजी ने अपने प्रेम चक्कर में फंसा रखा है। जी हाँ। शांति से काम लीजिए, बैठिए तो सही। बैठूं क्या? खाक, नाक कट गई है मेरी साहब, नाक कट गई है। ऐसे खानदान की लड़की से इशक बिशक करता है जिससे हमारे 300 साल का बैर है। जी हाँ। जी मुझे इन बातों का कुछ पता नहीं। मुझसे तो मेरी भतीजी सीमा ने कल ही जिक्र किया है कि आप तशरीफ ला रहे हैं। और क्या करता? खैर बैठिए, ये बताइए कि किस्सा क्या है। बात साफ जाहिर है कि सीमा और अशोक एक दूसरे को चाहते हैं। कमबख्त को कोई और खानदान नहीं मिला इश्क बिश्क करने के लिए। सेठ जी, जब बच्चे एक दूसरे को चाहते हैं तो भूल जाइए पुरानी दुश्मनी को। झगड़ा आपके बाप दादा का था, उसमें बच्चों का क्या? तुम्हारे बाप दादों का नहीं था, मेरे बाप दादों का था। बड़ा आया समझाने वाला, नाम है भोंदूमल, बनता है बीरबल। शरबत मंगाओ। आपके शरबत से मेरे दिल में जो आग लग रही है वो ठंडी हो सकती है क्या? साहब अगर मुझे मालूम होता कि मेरा बच्चा अशोक बड़ा होकर इस खानदान की लड़की से इश्क बिश्क करने वाला है तो मैं बचपन नहीं उसका गला। खैर कन्या को बुलवाई। जब मैं हवाई जहाज पर 1200 मील चलकर 300 रुपया खर्च करके अपनी जान को खतरे में डालकर यहां तक आया हूं तो कन्या को देखते ही जाऊं। बुलाइए कन्या को। अभी लीजिए लीजिए, वो आ गई। आओ बेटी सीमा। बेटी प्रणाम करो इन्हें, ये अशोक के पिताजी। चरणजीत वीर पांड्या भोंदुमल, ये लड़की इस घर की हरकिस नहीं हो सकती। ये बदतमीजों का खानदान और उसने ऐसी गुण सुंदरी का जन्म हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। सेठ जी अब भूल भी जाइए पुरानी दुश्मनी को। भूलना ही पड़ेगा। कन्या बैठो, बैठो उस पे। कन्या क्या आयु है तुम्हारी? जी यही कोई। आप चुप रहिए, लड़की को बताने दीजिए। जी 18 बरस। हैं? 18 बरस? लेकिन उस कमबख्त अशोक ने 17 साल लिखा था। नालायक हमेशा घाटे का सौदा करता है, पूरा 1 साल खा गया। खैर कन्या कहां तक पढ़ी लिखी हो? मैट्रिक कर चुकी हूँ, कॉलेज में नाम लिखाया था कि अशोक के प्रेम में फंस गई। ची 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 ची, ये इश्क कमबख्त बहुत ही बुरी चीज है, सब कुछ भुला कर रख देती है। खैर खैर जरा चल कर दिखाओ। मैं? हम भी बहुत पुराने गायब हैं, जानते हैं कि तुम वहां से यहाँ तक चलकर आई हो, लंगड़ी नहीं हो सकती। मगर सेठ जी, जी कन्या की चाल से ही लड़की के स्वभाव और गुणों का पता चल सकता है। चलो चलो, शर्माने की क्या बात है, चलो चलो। सुंदर, अति सुंदर हो गई, हो गई, तसल्ली हो गई। ज्वाला प्रसाद जी, हम तो कलकत्ते से ही दिल में ठान कर आए थे कि अपने बेटे अशोक को अपने साथ कलकत्ते वापस ले जाएंगे, लेकिन इस कन्या ने हमारे क्रोध की ज्वाला को शांत कर दिया। और ऐसी कन्या, सुंदर, गुणवंती, गुण सुंदरी, लाजवंती, खानदान बदतमीज हुआ तो क्या हुआ? कन्या किसी कला से भी लगाव है? जी सितार बजाती हूँ और शास्त्रीय संगीत भी जानती हूँ। हाँ तो श्रीमान जी सितार मंगवाइए। कन्या का ये गुण भी देख लें। चंदन सितार लाओ।
हो गया, बस मन शांत हो गया। ज्वाला प्रसाद जी, अशोक की एकलौती माँ को भी दिन रात भजन सुनने का बड़ा शौक है। जवानी में खैर गाती भी थी। वाह वाह, क्या संगम है, क्या संगम है। बहू गाएगी और सास सर हिलाएगी। मिस्टर कपूर, ये हैं अशोक के पिताजी। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। बड़ी जानी पहचानी सूरत है, कहीं पहले तो नहीं आपसे मुलाकात हो चुकी? जी हाँ। ज्वाला प्रसाद जी, मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर है। आप अशोक की शादी बड़े धूम से मनाइएगा। और आप? मुझे तो खैर फुर्सत ही नहीं। आप जानते हैं कि मेरा तो हर मिनट बड़ा कीमती है। यहाँ जाना होता है, वहां जाना होता है। अब आप फिक्र की कोई बात ही नहीं। आप अशोक को अपना ही बेटा समझिए ना, इसमें सोचने की कोई बात ही नहीं। आपकी तारीफ कुमार जी। ये हैं अशोक के पिताजी। इनसे मिलिए, अशोक की माता जी। कहिए, मैं अपने हाथों को तकलीफ दूं या आप खुद अपना असली रूप दिखाते हैं? मिस्टर कुमार, क्या बकते हैं आप? मिस्टर कुमार, मिस सीमा, ये तो अच्छा हुआ कि ये नेक औरत ऐन मौके पर आ गई, वरना आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाती। मिस्टर कुमार, मुझे आपकी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं। मैं टैक्सी लेके आता हूं। खिलौना समझकर मुझसे खेल रहे थे? डब्बू बेटा, मेरे समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्या नाटक है। नाटक? नाटक तो खत्म हो चुका। न जाने इन्होंने कितने भेस बदले, कितने ढोंग रचे, न जाने कितने लोगों को अपने झूठ के जाल में फंसाया। उनमें से एक मैं भी हूँ। मुझे बेवकूफ बनाकर कैमरा लिया और मेरी बीवी से 100 रुपए का नोट। बेटी, हम इज्जत वाले लोग हैं। इज्जत के आगे हम रुपए पैसे को कुछ नहीं समझते, लेकिन इस नालायक ने। अशोक, तुमने मुझे कहीं का न रखा, मेरी जिंदगी को एक मजाक बना दिया। मुझे बताओ, आखिर तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? बेटी, मैं जानती हूँ ये खोटा सिक्का है। इसने उम्र भर अपनी माँ को धोखा दिया है। ये क्या किसी से प्यार करेगा? कपूर, बोल, क्या मैंने तुझे इस दिन के लिए जन्म दिया था? माँ, मर गई तेरी माँ। मुझे पता होता कि बड़ा होकर तू ऐसा निकलेगा तो पैदा होते ही गला घोट देती तेरा। मेरा घर चोरों ने लूट लिया, लोगों की अमानतें चली गई। मैं इस उम्मीद पर आई थी कि बेटे से रुपया लेकर लोगों की अमानतें लौटा दूंगी, लेकिन मुझे क्या मालूम, बेटा मुझे धोखा दे रहा है, अपने आप को धोखा दे रहा है, सारी दुनिया को धोखा दे रहा है। तुम्हें रुपयों के लिए ना उम्मीद ना होना पड़ेगा माँ, चाहे मुझे कुछ भी। चोरी करेगा ना, धोखा डालेगा ना, बाप ने कभी चोरी नहीं, झूठ नहीं, बाप ने कभी किसी से उधार नहीं मांगा। और एक तू है उनका खून, खून को बदनाम किया है तूने। याद रख, जो माँ बुरे बेटे को जन्म दे सकती है तो वो उसका गला भी घोट सकती है। मैं तुझे जान से मार डालूंगी। मैं अब माँ की क्या जरूरत है तुम्हें? झूठ बोल बोलकर बेचारी को कितना सदमा पहुंचाया है तुमने। दिल को सख्त सदमा पहुंचा है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया है। डॉक्टर साहब, कोई खतरे की बात तो? दिल की धड़कन भी कमजोर है। मैं चाहता हूं कि एक बार होश में आ जाए, जिससे मेरी दवाओं का ठीक से असर हो सके। ये सब मेरी वजह से हुआ डॉक्टर साहब। ये तुम्हें अब महसूस हो रहा है? मुझे मालूम नहीं था कि मेरे झूठ का जहर मेरी माँ की जान लेने पर उतर आएगा। आंखें खोलो माँ, आंखें खोलो। गुनहगार मैं हूँ माँ, और सजा तुम भुगत रही।
माँ मैंने माना था, मैंने सब गलत चीजें की हैं, मैंने झूठ बोला है, मैंने भेस बदला है माँ, पर मेरे दिल में चोर नहीं है। मैंने ये सब कुछ इसलिए किया कि शायद मैं किसी दिन एक बड़ा आदमी बन सकूं और तुम्हारी मदद कर सकूं माँ, लेकिन मेरी अकल ने हमेशा मुझे गलत रास्ते पे डाला। मुझे माफ कर दे माँ, मुझे माफ कर दे माँ। मैं आज तुम्हारी सौगंध खाकर कहता हूँ माँ, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ कि मैं आइंदा कभी झूठ नहीं बोलूंगा, सच्चाई के रास्ते पे चलूंगा माँ। अपने डब्बू को माफ कर दे माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दे माँ, अपने डब्बू को माफ कर दे माँ। माँ, सीमा, माँ ने मेरी बात सुन ली, शायद मुझे माफ कर दिया होगा। सच्चे दिल से माफी मांगने वाले को भगवान भी माफ कर देता है। हे सत्यनारायण महाराज जी, आप तो बड़े दयालु हैं, आपके चरणों में ये लॉटरी का टिकट है, आप अपनी दया से 7 लाख नहीं तो 2-3 लाख ही दिलवा दीजिए। बड़े दयालु हैं आप। प्रभु बख्शे, तेरे चरणों में सिर नवा रहा, वो दिन कब आएगा कि मैं हिंद केसरी बनूं। मैंने अशोक भैया से मालिश के लिए अंग्रेजी तेल भी मंगवाया है, कब मेरी आशा पूरी करोगे भगवान? नारायण भगवान, अब तो मेरी मनोकामना पूरी कर दे, चलो मैं सोरो नहीं तो सोरे ही दिलवा दे। जय जय मिले। अरे अशोक भैया, अरे तुम आओ, तुम भी भगवान को नमस्ते कर लो। भैया आज सत्यनारायण जी की पूजा इतनी अच्छी हुई है, मुझे तुम्हारा लॉटरी का दिया हुआ टिकट ना जरूर पहले नंबर पर आएगा। हाय राम, ये बिजली आज इतनी क्यों कड़क रही है? जब इस दुनिया में कोई इंसान बात करता है, झूठ बोलता है या किसी को धोखा देने की कोशिश करता है तो आंधियां चलती है, बिजली कड़कती है, तूफान आते हैं। मगर भैया हमारी चाल में तो ऐसा कोई पापी नहीं है। बन नहीं सकती थी कि मैं अपने आप पर और अपनी जुबान पर काबू रख सकूं। ये शक्ति तो मुझे मजबूरी का मारा हुआ एक धोखेबाज तुम्हारी चाल में भी है। लाजवंती बहन, तुम्हारी ये लॉटरी कभी नहीं निकलेगी। भैया बहन से मस्करी करते हो? ये रहे तुम्हारे पैसे। अरे अशोक भैया, पूजा के दिन है बता। राम भरोसे जी, सच बोल रहा हूँ। गुगलू पहलवान जी, तुम जिंदगी भर हिंद केसरी नहीं बन सका। वो तेल जो मैंने तुम्हें बेचा था वो बालों का तेल था, रिल क्रीम, तुम्हारे पैसे। प्रोफेसर साहब जी, मैंने आपसे झूठ कहा था कि आपकी आवाज फिल्मों के काबिल है, आप तानसेन बनने के ख्वाब छोड़ दीजिए। अच्छा, काफी बेसुरा गाते हैं। मैंने कहा खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, डॉक्टर को बुलाओ, इसके दिमाग को जरूर लू लग गई है। भैया अंकल, तुम्हारे टिकट के पैसे कब मिलेंगे? मम्मी ने हमें अच्छे अच्छे कपड़े बनवाने के लिए कहा है। मेहता जी, आप ही ने समझाइए, ये लॉटरी का टिकट नहीं, लॉन्ड्री की रसीद। हाँ हाँ लाजवंती बहन, ये तो लॉन्ड्री की रसीद है। हाय राम, इतने दिन तक हमको धोखा देता रहा, हमको ठगता रहा, मीठी मीठी बातों से सबको बेवकूफ बनाता रहा, और अब झूठा निकला धोखे बाद ऐसे आदमी को यहाँ रहने नहीं देना चाहिए। माँ जी आप कहाँ जा रही हैं? आप कहाँ जा रही हैं माँ जी? बड़े अरमान लेकर शहर आई थी बेटी, लेकिन सब मिट्टी में मिल गए। जिसे मैंने जन्म दिया था उसी ने मेरे नाम पर धब्बा लगा दिया। नहीं माँ जी, अशोक अब वो अशोक नहीं रहा, उसने अपने सारे झूठ शर्म के आंसू से धो दिए हैं, और कसम खाई है कि वो हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलेगा। तुम्हें विश्वास है बेटी? अगर नहीं होता तो मैं कहती हूँ माँ जी,
तो कम से कम यही खुशी लेकर गांव लौट जाते। नहीं माँ जी, आपको जाने कौन देगा? डॉक्टर ने कहा है कि आपको आराम की सख्त जरूरत है। अब आपको इस बेटी की कसम जो आपने जाने की कोशिश तक की। चलिए। कपूर साहब, ये रही आपकी इमानत, आपका कैमरा और उधार का 100 रुपया। लेकिन ये भी बताओ कि ये रुपया आया कहां से? क्या किसी और के सर पे टोपी डाली है? मैं आपका गुनहगार हूं, आप जो जी मैं मुझे कह सकते हैं कपूर साहब, लेकिन यकीन जानिए कि अब मैंने सच्चाई के रास्ते पे चलने का इरादा कर लिया। ओहो, इतनी जल्दी इंकलाब आ गया? वक्त इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है कपूर साहब। जय राम जी। यार क्यों कह रहे हैं? मेरी कल की लाट साहबी तो आज फुटपाथ पे आ गई होगी। ओ अरे तेरा सर सलामत है यार। अपनी लाट साहबी का भंडा तो एकदम फूटना ही वाला था। खैर जो हुआ सो अच्छा ही हुआ, लेकिन अब मां के कर्ज का क्या होगा? अगर 2-3 हजार रुपयों का इंतजाम नहीं हुआ तो मां की आबरू और खानदान की इज्जत मट्टी में मिल जाएगी। प्यारे वाह प्यारे, एक ही सपाटे में खानदान की इज्जत और आबरू का ख्याल आ गया। खैर देख प्यारे, अगर ये बात है ना तो तेरे लिए मेरी जान भी हाजिर है। प्यारे ले जा मेरे विक्टोरिया को, ले जाए। तेरी रोजी छीन कर मैं अपनी जिंदगी नहीं संवारना चाहता, अब मैं खुद मेहनत मजदूरी करूंगा, समझे प्यारे? सवाल सिर्फ वक्त का। अरे चुप कर भाई, क्या टेटे टेटे लगा रखी है? मैं से जानता हूँ। घोड़ा गाड़ी में जाने की क्या जरूरत है? आइए तशरीफ रखिए। मैं सब मामला समझ गया हूँ, आखिर बंबई में रुपए की जरूरत किसे नहीं रहती। ये लीजिए 10,000 रुपया, और किसी दूसरे शहर में जाकर बिजनेस शुरू कर दीजिए। 10,000 रुपये? मुझे रुपयों की जरूरत तो है, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत को गिरवी नहीं रखना चाहता। गिरवी नहीं रखना चाहते तो बेच दो और रुपया दो। ये लो 5,000। 15,000 रुपये बहुत बड़ी रकम है कुंवर साहब। कुछ भी हो, आदमी दयानतदार मालूम होते हो, और दिलदार भी। मोहब्बत का सौदा करते हो? जाओ जाओ, नोटों की थप्पी बनाकर सरहाने के नीचे रख कर लड़की के ख्वाब देखो। मोहब्बत और प्यार का सौदा नहीं होता बखुदा। जाओ जाओ। देखो जी, अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोगों को अपने फैसले से नहीं हटना चाहिए। वो आया। तुमसे मिलने आया हूँ। क्यों, किराया तो मैं दे चुका हूँ। ये देखो, बिल्डिंग के सब लोगों ने मिलकर तुम्हारे खिलाफ शिकायत भेजी है। तुम उन लोगों को धोखा देते रहे हो, वो लोग तुम्हारा यहाँ रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते। ठीक है, जब तक मैं झूठ बोलता था यही लोग मुझसे प्यार करते थे, तो ये आप क्या चाहते हैं? आपको ये कमरा खाली करना होगा। कब तक? आज ही, बल्कि हो सके तो अभी। इसका मतलब यह है कि सच बोलने वाले के लिए इस दुनिया में सच छुपाने की जगह तक नहीं है। ये उपदेश किसी और को देना, कहो कमरा खाली करते हो या नहीं। अरे सेठ, ताव क्यों खाता है तू? कमरा 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 छोड़ दो ना। अरे कह दुनिया छोड़ दो, तू जानता है ये सब चावल वाले जितने भी यहाँ है ना, मुझे जिंदगी से भी ज्यादा प्यार है। ठीक है, मैंने इन सब के लिए कुछ भी नहीं किया, लेकिन इन्होंने मुझे बहुत ही प्यार दिया है। मैं बहुत एहसान मंद हूँ इन सबका। तो जानता है सर, किसी ना किसी तरह और कभी ना कभी
मैं इन सबका नमक खा चुका हूं। आज इनके साथ मिलकर तू ही मेरी इज्जत का तमाशा देख। जा सेठ नीचे इंतजार कर, मैं सामान तैयार करके आता हूं नीचे। अशोक बेटा, ना तो कभी पहले झूठ बोलता और ना आज यह दिन आता। पहलवान भूल चुक मां जा जा, कमरा कर दूंगा था। अरे अरे खाओ ना, अरे खाओ, क्या तुम्हारी माँ मर गई है? बहन, यहाँ कौन बुरी करी बहन है? खाओ ना सत्यानाश, यो खाओ, अरे खाओ। सेठ, कमरा खाली हो गया। मुबारक हो, नए किराएदार से पगड़ी तो मिलेगी। चाचा, तुम चालू छोड़ के क्यों जा रहे हो? चाचा बोलो ना। चाचा चाचा चुप क्यों हो? बोलो ना। मैंने तो किसी को नहीं छोड़ा, बल्कि सब लोगों ने मुझे छोड़ दिया। चाचा, चाली के सब लोग तुम्हें झूठा क्यों कहते हैं? इसलिए कि अब मैंने झूठ बोलना बंद कर दिया। चाचा, ये लड्डू खा लो, मैं तुम्हारे लिए घर से चुरा कर लाया। मेरे लिए? तूने लड्डू नहीं चुराया, मेरा दिल चुरा लिया। अगर वो झूठे से भागी, एक एक दिन भाग दूंगा। जाओ, मां बुला रही है, मैं एक दिन वापस आऊंगा, मैं जरूर वापस आऊंगा। जाओ बच्चो, मां बुला रही है, मां का कहना हमेशा मानना चाहिए। हैं, जाओ 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 जाओ। चले हम राह उल्टी, प्यार दुनिया ने किया। जब चले हम राह उल्टी, प्यार दुनिया ने किया। राह सीधी जब मिली तो सबने ठुकरा दिया, सबने ठुकरा दिया। अब कहीं न जा, ना किसी का मैं, ना कोई मेरा है दिल। मैं
किसी को चाह मेरी, ना किसी को इंतजार, ना किसी को चाह मेरी, ना किसी को इंतजार। इसलिए फिर मुड़ के पीछे देखना बार बार, देखना बार बार। अब कहीं ले जा ना किसी का मैं, ना कोई मेरा है दिल। अब कहीं ले जा ना किसी का मैं, ना कोई मेरा। क्या दाम है इसका? हमारा खून। क्यों जुल्म करते हो अपने आप? बड़ी सख्त चमड़ी है मेरी, एक तो चाकू टेढ़ा हो जाएगा, दूसरे जेब से कन्नी भी नहीं निकलेगी। रुपया चाहिए ना तुम्हें? कोई दूसरा घर देखो। बातों से टालता है। किसने भेजा तुझे? बोल बोल। कहता हूं ज्वाला प्रसाद जी, मरने वाले के लिए एक नहीं दो दो जान। क्या बात है ज्वाला प्रसाद जी, अभी तो एक घूंट भी आपके हलक के नीचे नहीं उतरा और हाथ कांप रही। कुछ घबराहट है कुमार बाबू, अभी अपने आदमी का फोन नहीं आया। सीमा, तुम एक ऐसे माहौल में सांस लेती हो जहां डाकू और कातिल रहते हैं। कौन डाकू? कौन डाकू? जिस तरह अशोक की ठंडी लाश कहीं पड़ी होगी, उसी तरह फोन की लाइन भी मुर्दा हो चुकी है। फिर भी कत्ल का मामला है कुमार साहब। तो क्या हुआ, कातिलों के स्कूल में आप कोई नए नए तो भर्ती नहीं हुए? जो शख्स अपने भाई का खून कर सकता है, वो किसी बेगाने के खून से हाथ रखने से क्या घबराएगा? कुमार बाबू, आप बार बार ये जिक्र ना छेड़ा कीजिए। क्यों ना छेड़ू, इसी बहाने मरने वाले की याद ताजा हो जाती है। बस आपके हाथ तो मेरी दुखती रगा गई। एक गलती मुझसे क्या हुई कि जिंदगी भर के लिए कातिल करार दे दिया गया। आप तो खामखाई नाराज हो रहे हैं ज्वाला प्रसाद जी, ऐसा भी क्या? अब हम दोनों पार्टनर, सीमा की शादी के बाद 50-50। मेरी बात तो शायद तुम यकीन नहीं कर, लेकिन अब कानों से सुन लिया ना। लेकिन ये सब क्या हो रहा है चाचा जी, कुमार बाबू, आखिर ये सब क्यों? सीमा, ये वक्त क्यों और कैसे का नहीं। तुमने मुझ पर बहुत एहसान किए, यहाँ तक कि मेरी माँ को मेरे नाम से पैसे भी भेजे। आज यही एक मौका है कि मैं तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ। मुझे एक तरकीब सूझी है जो तुम्हारी मदद से कामयाब हो सकती है। क्या करना होगा मुझे? चाचा और कुमार को टकराने के लिए उनके सामने एक नाटक खेलना पड़ेगा, जिससे उन्हें यकीन हो जाए कि हम दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं, ताकि उनका हशर ये होगा। लो ज्वाला प्रसाद जी, आखिरी घूंट भी आप ही पियो। अंकल, आप अच्छे तो हैं? क्यों बेटी, क्या हुआ? मैं अच्छा भला तो हूँ। शुक्र है भगवान का, मैं तो घबरा गई थी अंकल। मैंने अभी अभी ख्वाब में देखा कि कोई आदमी हाथ में छुरा लिए आपका पीछा कर रहा है। खूबसूरत लोगों को ऐसे भयानक सपने नहीं देखने चाहिए। ये लीजिए सीमा जी, आंसू पोंछ डाले। लीजिए लीजिए, सपने अक्सर झूठे ही होते हैं। लेकिन मेरे सपने अक्सर सच निकलते हैं। लेकिन ये सपना तो झूठा है। अंकल, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने सपने में आपकी लाश देखी अंकल। लाश? मेरी लाश? हाँ अंकल, और आप जोर जोर से चिल्ला रहे थे, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और वो खूनी कह रहा था, अब तक तुझे भगवान भी नहीं बचा सकता। कुमार बाबू, ज्वाला प्रसाद जी, आप भी बच्चों की तरह कांप रहे हैं। देखिए सीमा जी,
अगर आपको सपनों से डर लगता है तो जल्दी से शादी कर लीजिए, फिर कभी डर नहीं लगेगा। और अगर लगेगा नहीं तो कोई पास बैठकर तसल्ली देने वाला तो होगा। अशोक बचाओ, बचाओ। अशोक बचाओ। ये क्या, क्या तुम मेरे चाचा जी का खून करना चाहते हो? खून मैं नहीं, तुम्हारा चाचा करना चाहता है। सीमा में ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि कल रात के हमारे जरे से झगड़े के लिए तुमने चाचा को मेरा खून करने के लिए मजबूर किया। ये दोनों ने छुरा तो तुम्हारे चाचा ने गुंडा के हाथ भेजा मेरा खून करने के लिए। शट अप, क्या तुमने हमारे खानदान को इतना गिरा हुआ समझ रखा है? आखिर क्या समझते हो तुम मेरे चाचा जी को? गुंडे या लफंगे तुम हो। गलती तो मेरी थी कि मैंने तुम जैसे आवारा दौलत के भूखे और किसी के खून के प्यासे इंसान को अपने मुंह लगाया। गलती तुमने नहीं, मैंने की जो ऐसे खानदान से ताल्लुकात रखे जो हर चीज को दौलत के तराजू में तोलते। अच्छा हुआ सीमा, आज मैंने तुम्हारी असली तस्वीर देख ली। आज से मैं इस घर में कदम ही नहीं रखूंगा। सीमा बेटी, सीमा बेटी, देख लिया तुमने अशोक को? हमने तुम्हें कितनी बार समझाया कि इस आदमी को अपने नजदीक मत आने दिया करो। आप ठीक ही कैसे थे अंकल, मुझसे सचमुच बहुत बड़ी भूल है, आप मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं जिंदगी भर आपके इशारे के खिलाफ नहीं चलूंगी। आप मेरे लिए जो चाहे करें, जहां चाहे मेरी शादी करते। मुबारक हो ज्वाला प्रसाद जी, लड़की अपने ही आप रास्ते पर आ गई। तो फिर मैं आज से ही सीमा की शादी की तैयारियां शुरू कर दूं? नेकी और पूछ पूछ। लेकिन कुमार साहब, अब वो फोटो तो लौटा दीजिए। ज्वाला प्रसाद जी, ऐसी भी क्या बेतबारी, ये लीजिए, ये आपका पॉजिटिव और ये नेगेटिव। हम तो जबान को बहुत बड़ी चीज समझते हैं। और कोई कॉपी तो नहीं है इसकी आपके पास? ज्वाला प्रसाद जी, भाई अमानों का भी तो कुछ धर्म ईमान होता है, आप भरोसा रखिए। शाबाश, कल से अपना भी जलना बंद हो चुका है और आज तू भी नहीं जली, क्या साथ देती है। कौन है वे? मैं अंदर आ सकती हूँ? क्या मैं ख्वाब देख रहा हूँ? पहले अंदर आने की इजाजत तो दीजिए। तशरीफ लाइए, ये सुबह मेरे लिए सुबह जिंदगानी है कि आप आए नजर मुझको आफ्ताब के साथ। बैठिए बैठिए बैठिए। जी नहीं, पहले आप ये कह दीजिए कि आपने मुझे माफ कर दिया। अब माफ, आपने कसूर ही क्या किया है? ये कसूर क्या कम है कि एक अच्छे आदमी को ठुकराकर मैं आज तक एक दगाबाज की मोहब्बत का दम भरती रही। छोड़िए ना सीमा जी, सुबह का भटका हुआ शाम को घर तो वापस आ गया। और ऐसे आया कि अब वापस जाने को तैयार नहीं? आपके मुंह में घी शक्कर, एक बार फिर से कहिए, फिर से कहिए। लेकिन आप पहले मुझे ये यकीन दिला दीजिए कि आप मुझे स्वीकार करने को तैयार हैं। कैसी बातें करते हैं सीमा जी, अंधेरे को अगर रोशनी मिल जाए तो वो कभी उसे ठुकरा सकता है? तो फिर मैं अंकल को खुशखबरी दे दूं कि आप मुझे अपने कदमों में जगह देने को तैयार हैं? कदमों में नहीं, सर पर। बल्कि उनसे ये भी कह दो कि शादी का मुहूर्त जल्दी निकलवा लें। हाँ, आपसे ज्यादा जल्दी तो मुझे है। मैं उस धोखेबाज अशोक से ऐसा बदला लेना चाहती हूँ जो सारी जिंदगी याद करे। जाने भी दो सीमा, बेचारा अपनी मौत खुद ही मारा जाएगा। बस से बदी नहीं करते बल्कि उस पर रहम खाते हैं। मैंने इशारों ही इशारों में अंकल से ये बात छेड़ी थी। उन्होंने एक छोटी सी शर्त रखी। छोटी सी क्या, बड़ी से भी पूरी हो जाएगी। कहो कहो कहो। वो चाहते हैं कि आपसे मेरी शादी से पहले मैं अपनी सारी जायदाद उनके नाम कर दूं। अच्छा, तो ये है वो छोटी सी शर्त? बस यही। मैं जानती हूँ आपको मेरी जायदाद की क्या परवाह हो सकती है, लिख दो ना। रुपए की जरूरत तो नहीं, लेकिन तुम्हारे अंकल को भी क्या है, न बीवी न बच्चा, एक पांव शमशान में पहुंचा हुआ है। अब फिर इतना लालच क्यों सीमा? शायद तुम्हारे अंकल समझते हैं कि अब मेरे पास उस बात का कोई सबूत नहीं रहा, लेकिन मैं भी कच्ची गोलियां नहीं खेला हूं। अभी तक एक कॉपी मेरे पास है। कॉपी? हाँ, फोटो की कॉपी। तुम फिक्र नहीं करो, मैं अभी जाकर उस बुड्ढे खुसर से निपट लेता हूँ। नहीं नहीं, अभी नहीं। सुबह सुबह तो प्यार की बातें करते हैं, झगड़े की नहीं। दोपहर को मिल लेना उससे,
लेकिन सुनो, मेरा नाम मत लेना। और फिर आज से तो हमने एक नई जिंदगी शुरू की है। चलो नीचे मुझे स्पेनिश डांस सिखाओ। इस वक्त डांस नहीं, ये वक्त तो रोमांस करने। आहिस्ता प्लीज ले चलो ना। चलो। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी नाउ प्रेजेंट यू वन एंड ओनली मिस लोरा, द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड फाइनेस्ट डांसर इन द वर्ल्ड। ठहरो, शॉप। ये दावा बिल्कुल गलत है। इधर देखो, सब लोग देखो, ये हैं सीमा, माय फैंसी, दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़की एंड द फर्स्ट क्लास डांसर। प्लीज एक छोटा सा डांस मेरी खातिर। मैं नहीं नाचूंगी। खैर ठीक है, अशोक एक इशारा भी करता था तो तुम नाचने पर तैयार हो जाती थी, और आज मैं कह रहा हूँ तो कहती हो कि मैं नहीं नाचूंगी। सोच लो, मैं तुम्हारा होने वाला पति हूँ। हाँ देख, जो तेरा नुकसान होगा वो मैं दूंगा, ठीक है ना? ठीक है, बस चुप। अच्छा कुमार साहब, जब आप कहते हैं तो मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ? मैं नाचूंगी। शाबाश, चल अनाउंस कर। चल मिस सीमा, कॉस्ट्यूम रूम में जाकर आप तैयार हो जाइए। क्यों मैम साहब, देख लिया मेरी बेइज्जती करने का अंजाम? उस दिन मेरे साथ जाने से इनकार किया था ना। जान गई हाय मेरी जान गई, जब से तुझे जान गई हाय मेरी जान गई, काहे दिल कर बैठा प्यार हो, जब से तुझे जान गई हाय मेरी जान गई, काहे दिल कर बैठा प्यार हो, जब से तुझे जान गई हाय मेरी जान गई। जान गई हाय मेरी जान गई, काहे दिल कर बैठा प्यार हो, जब से तुझे जान गई हाय मेरी जान गई, काहे दिल कर बैठा प्यार हो, जब से तुझे जान गई हाय मेरी जान गई। जान गई हाय मेरी जान गई, काहे दिल कर बैठा प्यार हो, जब से तुझे जान गई हाय मेरी जान गई, काहे दिल कर बैठा प्यार हो।
सीमा बेटी आओ आओ। अंकल आज मैं बहुत खुश हूँ। वेरी गुड। आप जानते हैं इतना सब कुछ होने के बाद भी कुमार बाबू मुझसे शादी करना चाहते हैं। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अंकल वो आज कुछ अजीब सी बात कह रहे थे। क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे कि शादी से पहले मुझे सब कुछ उनके नाम करना होगा। क्या कहा? सब कुछ कुमार के नाम? जी हाँ। और वो भी शादी से पहले? जी। और देखा जाए तो ठीक ही तो है अंकल, क्योंकि शादी के बाद भी मेरा सब कुछ उन्हीं का तो हो जाए। तुम अभी बच्ची हो, तुम्हारा भला बुरा मैं खूब जानता हूँ। अंकल आप नहीं जानेंगे तो फिर और कौन जानेगा? आपके होते हुए तो मुझे कभी ये महसूस नहीं हुआ कि मेरे सर पर मेरे पिता का साया नहीं है। अंकल कुमार बाबू एक और बात कह रहे थे। क्या कह रहे थे? कुछ कागज के बारे में। कागज के? ये कि उनके पास कोई ऐसा सबूत है जिससे वो आपको मुश्किल में डाल सकते हैं। उनको समझे नहीं। खैर मैं तो कभी कभी ये सोच के घबराती हूँ कि मेरी शादी के बाद आपका क्या होगा। देखिए इस तिजोरी में 5 लाख रुपए हैं, आप कब्जा जमा लीजिए। लेकिन अंकल देखिए कुमार बाबू को कुछ ना कहिए। नहीं नहीं। देखिए अंकल इनकार मत कीजिए, अब मैं बाहर जाती हूँ ताकि अंदर कोई ना आए। अच्छा हेलो कुमार, आप अंकल से मिलने आए हैं ना? हाँ, आज तुम भी देखो कि कैसे मुलाकात होगी। ओ प्लीज कुमार, मेरे लिए मेरी मोहब्बत के लिए तुम्हें मुझसे एक वादा जरूर करना होगा। देखो अपनी मोहब्बत का वास्ता देकर मेरे गुस्से को ठंडा करने की कोशिश न करो। ओहो, इधर आप गुस्से में हैं और उधर अंकल का पारा चढ़ा हुआ है। भगवान न करे कि दोनों की झड़प हो जाए, वरना एक दूसरे की खैर नहीं। देखो मैं हाथ जोड़ती हूँ, अगर अंकल ने 2-4 लाख रुपए निकाल भी लिए हैं तो नजरअंदाज कर देना। जी नोटों को हवा लगवा रहे हैं क्या? शायद मैं वक्त से पहले पहुंच गया हूं। कहिए नोट गिन गिन कर रख रहे हैं या शेरों के हिसाब से? कुमार बाबू ये रुपए मेरे नहीं हैं, पुराना इनकम टैक्स अदा करना है इसलिए ले जा रहा हूं। तो फिर मुझे ही दे दीजिए, इनकम टैक्स का दफ्तर मैंने खरीद लिया है। लाइए लाइए ना। नहीं लाइए नहीं। पानी में रहकर मगर से दुश्मन, हम इससे डबल गेम खेल रहे। डबल गेम मैं नहीं तुम खेल रहे हो। क्या तुमने वादा नहीं किया था कि मेरे भाई के खून के सबूत के सारे फोटो तुम मुझे वापस दे दोगे? सब तो दे दिए थे, लेकिन सिर्फ एक जरूरी सबूत रख लिया था। वो भी ना रखता तो आज तुम अनछूना हो गए होते। कुमार साहब अब मेरा नहीं तुम्हारा अड़नछू होने का वक्त है। अच्छा होता कि मैंने पहले ही तुम्हारा खात्मा कर दिया। धमकाओ नहीं, कुमार का सीना भी फौलाद का बना हुआ है, ये तो गोली चलने पर ही पता चलेगा। जाओ मां को लेकर आता हूं। ठहरो। मां की जान प्यारी है या टेप? उसने चला कुछ ऐसी चाल। सीमा आप भूल गए कि मुकाबला किससे है। तुम चाहते क्या हो? इस वक्त भिखारी मैं नहीं तुम हो। तुम्हें शर्म नहीं आती किसी की माँ की जिंदगी पर दांव लगाकर बाजी जीतना चाहते हो? इश्क और जंग में सब कुछ जायज, लेकिन एक बात की ताक देता हूँ कि तुम खूबसूरत भी हो और चालाक,
तुमने अपनी चालाकी से अपने चाचा और मेरे दरमियान गलतफहमी पैदा कर दी। तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ा, जान तो तुम्हारे चाचा की गई, मैंने उसे खत्म कर दिया और शायद अब अपनी जान बचाने के लिए एक दो और को भी खत्म करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे प्यास खून से बुझ सकती है तो मेरा खून पी लो। ऐसा ना कहो माँ, मेरी माँ की जिंदगी का मुआवजा चाहते हो तुम, तो क्या लोगे? बहुत ही मामूली सी कीमत है, सीमा के चचा के खून का इल्जाम तुम अपने सर पर ले लो। माँ की जिंदगी के लिए मैं ये भी कर सकता हूँ। नहीं नहीं, तुम इसकी बातों में मत आना, सच बोलने की कसम खाई है बेटा, चाहे आप मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाए, झूठ मत बोलना डब्बू, झूठ मत बोलना। एक रास्ता और भी कहिए सीमा देवी, आप अपने इश्क के लिए क्या कुर्बानी दे सकती हैं, नथ या जेवर? मेरे पास जो भी है मैं देने को तैयार हूँ। तो जो कुछ तुम्हारे पास है निकालो। लेकिन इस वक्त तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ बैंक में है। मैं चेक का धंधा नहीं करता, तो मेरी आवाज वापस दो। इस जान की कीमत 10 लाख, अगर शाम तक ये रत्न फैमिली गुफा में पहुंचा दो तो तुम्हारी माँ सही और सलामत घर वापस पहुंच जाएगी। मुझे मंजूर है। चलो सीमा, मैं ये तुमने क्या किया, मेरे लिए तुम क्यों कंगाल हो रही? क्या मैं माँ के लिए इतना भी नहीं कर सकती? क्या हुआ बेरे, क्या हुआ जी? तुम्हें बाद में बताऊंगी, अभी टाइम बहुत कम है। इंस्पेक्टर साहब, उस बदमाश कुमार ने अशोक के माताजी को कनेरी के घरों में नजर बंद कर रखा है और उसकी रिहाई के लिए वो अशोक और सीमा से 10 लाख रुपए की मांग करता है। ये बात है जी। तुम्हारा नाम? जी मेरा नाम मोहन चोटी है, मैं अशोक का दोस्त हूँ जी। Thank you.
नहीं देगा। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। चलो लोगे या कैश है? कपूर, 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 माँ, माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा डब्बू, मेरा डब्बू। ए, डब्बू की माँ की होने वाली बहू, इधर आ, चलो। इधर आओ। अपनी होने वाली सांस के पांव छुओ। चलो चलो चल। प्यारे तुम्हें गोविंदा।